আমি অঙ্কিতা আর আপনারা দেখছেন দ্য মেকআপ নিউজ চ্যানেল। আজ আমরা চলে এসেছি মেকআপ লাইফ সেগমেন্টের আরও একটি এপিসোড নিয়ে, যেখানে আমাদের সাথে রয়েছে দ্য মেকআপ আর্টিস্ট ভারতী হেলা। তো চলুন আমরা আজকে ওনার সাথে একটু কথা বলে নিই। वेलकम टू आवर मेकअप न्यूज़ चैनल। सवार आगे बोलो तुम्हें कैमन आज? मैं बहुत ही अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हो। और थैंक्स फॉर मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। इसके लिए मेकअप न्यूज़ का बहुत बड़ा थैंक यू। आप लोगों ने एक ऐसा एपिसोड स्टार्ट किया है जिससे हर एक मेकअप आर्टिस्ट बैक स्टेज जाके निकल के वहाँ से अपना कुछ अपने बारे में कुछ शेयर कर सकता है। बेसिकली क्या होता है कि लोग बोल नहीं पाते ना कि आप कैसे स्टार्टिंग किए, आपका ये जो मेकअप का जर्नी हुआ कैसे हुआ, कोई बोल नहीं पाता। तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा इसको ज्वाइन करके। तो मेरा नाम, जैसे कि मेरा नाम भारती हेला है, तो मैं जो रहती हूँ रतलम पे रहती हूँ, लेकिन मेरा जो स्टूडियो है वो है खड़दा पे। एतो इंडस्ट्री थाकते ए मेकअप पे आसबे बा ए मेकअप इंडस्ट्री थाके एज ए प्रोफेशन बेचे नियेछो केनो? एक्चुअली मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी मेकअप लाइन पे इतना मेरा पब्लिसिटी होगा भाई, इतना मैं आगे ग्रो करूँगी, मुझे पता नहीं था। और मेकअप आर्टिस्ट एक्चुअल में होते क्या है मुझे खुद नहीं पता था। मतलब जैसे कि होता है ना कि आपके फैमिली बैकग्राउंड पे कोई ना कोई रिलेटेड होता है, तो जैसे मेरी बड़ी दी क्या था, वो पार्लर की पूरी सीनियर थी, तो उनको देख देख के मेरे अंदर वो एक्टिविटी आता था। मतलब आए या नहीं आए, ब्राइड्स करने के लिए उनके पास छोटे से ही ब्राइड्स करने के लिए चली, मतलब कोलका आए या नहीं है, जैसे भी हो रहा मैं करती थी। तो एक्चुअल मेरा लाइनर बहुत अच्छा होता था, जहाँ पर भी कर गया तो आपका लाइनर बहुत अच्छा हो रहा है। तो ऐसे करते करते तो मेरा ये स्टार्ट हुआ। मुझे भी पता नहीं चला कि मैं कैसे इस जगह पे आके स्टैंड हो गई, ये मुझे भी नहीं पता। पर इतना पता है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैं कभी सोची नहीं थी कि इस जगह पे इस आके मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। बस मुझे दिल से अच्छा लगा करने के लिए मैं करती गई। তো আজকে এই জায়গাটা যে তুমি অ্যাচিভ করেছো, তো এর পিছনে তো অনেক স্ট্রাগল রয়েছে তোমার, মানে একদিনে তো তুমি এই জায়গাটা অ্যাচিভ করে নাও নি। তো সেই প্রথম দিনের স্ট্রাগলিংয়ের কথা যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করো। বিলকুল। स्टार्टिंग में क्या था, जब मेरा स्कूल आवर्स में ही मैं मेहंदी लगाना स्टार्ट की, तब तो मैं कहीं पर सीखी भी नहीं, जस्ट दो चार लोगों को लगाया तो उन लोगों ने बोला कि प्लीज़ मुझे भी लगाओ ना। तो वहाँ से मेरा इनकम पार्ट होना स्टार्ट हुआ। फिर जैसे कि दीदी, मैंने बताया बहुत दिन पहले के, फिर दीदी पार्लर पे थी तो मुझे भी बहुत सारा नॉलेज आ गया, तो स्किन ट्रीटमेंट वगैरह ये सब वगैरह मुझे आ गया काफ़ी, तो मैं करने लगी। फिर मेकअप में जब दीदी के संग में इन्वॉल्व हुई तो मेकअप भी करने लगी। फिर एक पार्लर को ज्वाइन किया स्किन को अच्छे से समझने के लिए, कि हर स्किन का, मतलब आप किसी और से सुनिएगा सीखिएगा, लेकिन जब तक आप खुद उसको रियलाइज़ नहीं कीजिएगा कि स्किन कैसा है, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो मैंने कुछ दो चार साल पार्लर पे मैंने जॉब भी किया। उसके बाद फिर निकल के फिर मैंने जब मुझे देखा कि नहीं, मुझे मेकअप तो कर रही हूँ पार्लर पर, लेकिन मुझे लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं होती थी उस टाइम पर कि नहीं कुछ अच्छा करना है और भी अच्छा करना है। तो मैंने देखा या तो बहुत जगहों पे सीखा है, तो बस सीख के जस्ट दो तीन, जब मैं पोस्ट डालना FBP को मैंने ज्वाइन किया 2015 पे, और 16 से जब मैंने ये सब करना स्टार्ट हुआ तो ऑटोमेटिक ही लोग फिर मुझे बोलने लगे। 2019 पे जाके मेरा क्लासेस स्टार्ट हो चुका था। तो दीदी प्लीज़ आप कितना फी लीजिएगा, सीखना है सिखाइए। तो मैं कॉन्फिडेंस भी नहीं होती थी कि मैं कैसे सिखाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं बोली जब लोग इतना मुझे ये अप्रिशिएट कर रहे हैं, चलो क्लास खोलते हैं देखते हैं क्या हुआ। तो जब मेरा फर्स्ट ही क्लास हुआ तो वहाँ पर मुझे 8 स्टूडेंट मिल गए। तो 8 स्टूडेंट फर्स्ट डे के बाद फिर दो और आके उस पर एडमिशन ले लिए, तो मैंने ले लिया। तो फर्स्ट डे ही मेरा फर्स्ट बैच में मेरा 10 स्टूडेंट हो गया। तो ऐसे करके मेरा अब चल ही रहा है, अब 2019 हो गया। तो बहुत दिनों से आपका क्लास चल रहा है? 2019 से मैंने क्लास स्टार्ट किया करवाने के लिए। তো আজকে যে জায়গাটা তুমি অ্যাচিভ করেছো, এর পিছনে তো প্রথম থেকেই কি ফ্যামিলি সাপোর্ট পেয়েছিলে না কোনো রকম প্রবলেম হয়েছিল?
ऑनेस्टली बोलना चाहूँगी तो मुझे बोलना ही होगा, क्योंकि वो झूठ बोल के कि मेरे पीछे किसी ने ऐसा किया, तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था। एक्चुअल में फैमिली में मुझे लेकर थोड़ा प्रॉब्लम भी होता था, क्योंकि मैं पढ़ाई पे बहुत अच्छी थी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत गंदी थी ये भी नहीं है, मोटा मोटी थी, हाँ एवरेज, मतलब पढ़ाई किया, पास हो गई, मार्क्स हो गया, ऐसा करके था, मतलब बहुत अच्छा स्टूडेंट थी ऐसा कुछ नहीं, पर मेरा ड्राइंग वगैरह बहुत अच्छा रहता था, तो ऐसे करके पढ़ाई वगैरह मेरा चला। तो जब मैं कुछ भी करने के लिए करती थी तो मुझे घर से अप्रिशिएट नहीं मिलता था कि नहीं इतना पैसा नहीं है, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे मैं छोटे छोटे बच्चे लोगों को पढ़ाया, मेहंदी का ये सब करवाया, तो मैंने खुद पैसा अरेंज किया, अरेंज करके मैं खुद सीखी। तो जब मेरा पता है, मुझे सबसे अच्छा लगा कि जब मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करने लगे ना कि हाँ इसके अंदर कुछ क्वालिटी है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर उन लोगों ने मेरा सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो एतो दिन हो गया है जे अपना ये प्रोफेशन है, तो माने किछु गुड एक्सपीरियंस तो निश्चय ही आछे, सेगुलो जदि आमादेर साथे एकटु शेयर करें। गुड एक्सपीरियंस ये है कि जब आप काम करने के लिए जाते हो ना, तो जैसे कि आपका काम जब अच्छा होने लगता है तो लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बेसिकली आप देखिएगा, जब आप काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो आगे बाहर के लोग आपको ज़्यादा पहचानेंगे, तब पड़ोस के लोग पहचानेंगे। तो मेरे संग भी वही हुआ, बाहर का लोग का डिमांड ज़्यादा था कि आप आके मेरे घर पर काम करो, आप राइड्स रेडी करो। तो जब मेरे एरिया के लोग किसी और एरिया पे जाके देख रहे हैं कि दीदी का इतना नाम है, तब मेरे एरिया के लोग मुझसे बहुत कनेक्ट होने लगे, तो ये मेरे लिए बहुत गुड एक्सपीरियंस था। और कुछ बैड एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बैड एक्सपीरियंस मेरे पास दो तीन है, पर शॉर्ट टाइम पे मैं जितना शेयर कर पा रही हूँ मैं कर दे रही हूँ। मैंने बेसिक जिनके पास क्लास किया था उनका नाम नहीं ले रही हूँ। तो देखिए, कोई भी टीचर अपना प्रॉफिट रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, मैं भी रखती हूँ, लेकिन उसके बदले बहुत सारा गुण देते हैं हम लोगों को, बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन आप अगर किसी भी स्टूडेंट को ठग रहे हो तो आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने यहाँ पर क्लासेस किया था, ये मेरे लिए बहुत बैड, मेरे हर एक बैच पे ये मैं शेयर करती हूँ कि आप कहीं पर भी सीखने के लिए जाइए, प्लीज़ उनका प्रोडक्ट्स आप मत लीजिएगा, पहला बात, क्योंकि उनका प्रॉफिट रहता है, बोला जाएगा, मतलब उनके नाम का कुछ लेबल है वो अलग बात है, वो उतने मतलब ऊँचे रैंक पे है तभी उनका नाम का टैग है, लेबल है। लेकिन आपको कोई मार्केट से ला के ये प्रोडक्ट्स दे रहा है, उसका लेबल हटा दे रहा है, ब्रशेस दे रहा है, आपको ब्रश का नॉलेज नहीं है लेकिन ब्रश दे रहा है कि बाबू आप ये ब्रश ले लो, लेकिन वो ब्रश का रेंज होता है हार्डली 200-300 और आपको दिया जा रहा है 1600-1700। तो प्लीज़, अगर ये मेरा रिकॉर्डेड कोई भी देखता है स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, आप मैम से नॉलेज लीजिएगा और अपना काम कीजिएगा। तो ये मेरे लिए बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ, जब मैं क्लास करके, जब मैं खुद मार्केट जब जाके देख रही हूँ कि वो ब्रश का नाम मुझे मेरे दिमाग पे छप गया, PNF का एक ब्रश है, हाईलाइटर ब्रश, वो मेरे संग आज भी है, रखी हूँ मैं यादगार के लिए। तो वो 150 पे आता था उस टाइम पे, 2017 पे वो 150 पे आता था, पर मुझे दिया गया है वो आपका 1750 में, तो ये मुझे बहुत बुरा लगा था। तो प्लीज़ आप लोग ये सब चीज़ से बचिएगा, क्लासेस के जगह बहुत ऐसा भी होता है, तो आप लोग नॉलेज लीजिए, खुद सर्च कीजिए, देखिए, शॉप पे जाके खुद लीजिए, मैम के मतलब उनके थ्रू ही आपको लेना होगा, ये मत कीजिएगा। मैं बहुत, मेरे संग ऐसा हुआ इसलिए मैंने शेयर किया। আমাদের এখানে আমাদের বেঙ্গলে অনেক ট্যালেন্টেড মেকআপ আর্টিস্টরা রয়েছে যারা ব্রাইড সাজায়। তো এখন একটা নতুন ট্রেন্ড এসেছে, ব্রাজিলিয়ান মেকআপ। তো এটা কি আমাদের বেঙ্গলের ব্রাইডদের যেভাবে সাজানো হয় তাতে কি কোনো রকম ব্রাজিলিয়ান মেকআপটা কি কোনো কাজে লাগে, নাকি এটা জাস্ট একটা ট্রেন্ড হিসেবে চলছে? তোমার কি মত? অ্যাকচুয়াল মে আব मैं अगर शेयर करती हूँ तो कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा और जो लोग समझने वाले होंगे शायद उन लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन मैं अपना पॉइंट बोल रही हूँ। एक्चुअल में ब्राइड में आपको एक ब्राइडल लुक ही देना है, ये सभी को पता है। अगर बेंगोली हुई तो उनको कोलका चंदन, रेड लिपस्टिक, साड़ी, और नॉन बेंगोली में जिन जैसे हम लोग का एक होता है सटल सिंपल सा लुक, तो ज्वेलरी है भी वो। लेकिन ब्राज़ीलियन का जो आई टेक्निक वगैरह है, आप ये बस वेस्टर्न लुक पे ही यूज़ कर पाओगे, वो क्लासेस के लिए ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ठीक है, आप खुद को अपडेट करें नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन आप ब्राइड पे एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। और जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया से भी कुछ कनेक्टेड है प्रोडक्ट, उसी को बहुत हाईलाइट करके अपना नाम का टैग देके, तो ये सब भी एक बिजनेस का ही है पार्ट्स, तो ये मेरा मानना है।
বেঙ্গলে যেটা হচ্ছে আমাদের প্রচুর অর্গানাইজার যারা রয়েছে তারা বাইরে থেকে মেকআপ আর্টিস্ট নিয়ে এসে আমাদের এখানে অনেক ওয়ার্কশপ করছে, কিন্তু বেঙ্গলের মেকআপ আর্টিস্টদের নিয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে সেইভাবে ওয়ার্কশপ হয় না। তো এতে কি বেঙ্গলের মেকআপ আর্টিস্টরা হ্যাম্পার হচ্ছে না, তোমার কি মনে হয়? बिल्कुल, ये तो सबके बिजनेस पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, पर बात ये भी है कि अगर आपका काम अच्छा है तो लोग आपके पास ही आएंगे, मेरा काम अच्छा है तो लोग मेरे पास ही आएंगे। हाँ, कुछ टाइम के लिए लोग के ब्रेन पे ये इफ़ेक्ट होगा कि बाहर से आ रहे हैं, आप यहाँ पर करो क्लास, लेकिन बात ये भी ना, जब जो लोग क्लास करके बाहर निकल रहे हैं तो उनके बारे पर वो बोलना स्टार्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ पर मत जाइए, आपका पैसा पूरा डूब रहा है। और सीरियसली होता है ये, इतना पेमेंट करके आप वन डे दो दिन का क्लास करोगे और वहाँ से आपको कुछ नॉलेज नहीं मिलेगा, बस आकर के देख के ही रिकॉर्डेड देख कर चले आओगे। मैंने भी बहुत सारा क्लासेस किया है तो प्रॉब्लम होता ही है, जो कि मैं खुद क्लासेस कराती हूँ मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, जो बिगिनर अगर जाएंगे तो वो लोग को तो और भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर लैंग्वेज कुछ और होता है, फिर वहाँ पर चार पांच ट्रांसलेटेड होते हैं, आपकी लैंग्वेज आते आते वहाँ पर प्रोसेस कुछ और हो रहा है, आप तो भूल जा रहे हैं ना कि क्या हो रहा है। तो एक हिंदी बंगाली इंग्लिश तक ठीक है, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है जब होता है, तो यही है। আগে 3 মান্থ কি 2 মান্থ ধরে মাস্টার ক্লাস হতো, যে কোনো মেকআপ আর্টিস্ট যারা ক্লাস করাতো তারা 2 মাস 3 মাস ধরে ক্লাস করাতো। এখন কি হচ্ছে, এখন 6 ডেজ বা 3 ডেজে নেমে এসছে, মানে এই মাস্টার ক্লাস করিয়ে দেওয়া হয়। এই তো এতে কি নিউ কামাররা কোনো রকমভাবে বেনিফিটেড হচ্ছে, তারা কি কিছু শিখতে পারছে, তোমার কি মনে হয়? ये थैंक्स, आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, अगर आप नहीं भी पूछते तो मैं बोलती ये क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है आप 1 से लेके 10 डेज बस 6 डे पे कभी सीख नहीं पाओगे, आपके पास टाइम नहीं है। आप सुबह से लेके 6 घंटे क्लास किए, घर पे गए, खाना खाए, सो गए, अगला दिन उठे, फिर बैग उठा क्लासेस के लिए, तो आपको टाइम कहाँ मिल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, देखने के लिए, मार्केट पे सर्च करने के लिए, यहाँ तक कि आप ऑनलाइन से भी सर्च करके देख नहीं पा रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट यही होता है कि स्टूडेंट को एटलीस्ट वीक में 1 डे व 2 डेज का जो क्लास होता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि मैं खुद वैसे कराती हूँ, ताकि स्टूडेंट को बोलती हूँ पूरा तुम लोग पूरा मार्केट सर्च कर लो आराम से हर एक चीज़ का, तो ये बेस्ट होता है, ये मेरा मानना है। अगर इसके बावजूद किसी को अगर बुरा लग रहा होगा तो वो अलग बात है, क्योंकि इस पर मेन प्रॉफिट जो होता है मेकअप आर्टिस्ट एज अ टीचर, उन लोगों को बहुत प्रॉफिट होता है, क्योंकि उन लोगों का टाइम सेव हो रहा है, क्लास 10 डेज में 12 डेज में करके फिर एक ही मंथ तो 2-3 क्लास करवा ले रहे, तो उनका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत ही प्रॉफिट नहीं है, उन लोगों का नुकसान हो रहा है बहुत पैसा का। তো এতদিন ধরে তো তোমার কাছে অনেক স্টুডেন্ট শিখেছে, অনেক স্টুডেন্ট তারা আজকে ক্লাস করাচ্ছে, তো তাদের উদ্দেশ্যে যদি তুমি কিছু বলতে চাও। হ্যাঁ, আমার কিছু কিছু স্টুডেন্টরা ক্লাস করায়, তো সেটা দেখি আমি খুবই গ্ল্যাড, খুবই খুশি হই। তো আর আর কিছু কিছু জিন আছে, মানে রয়েছে, জানোই আমার বাংলা খুব মিস্টেক, সরি হিন্দি ভি আ জানি, তো কুছ স্টুডেন্ট এসে ভি হ্যায় কি মতলব আপ एक जगह से सीख कर ना पूरा क्लास के बारे में जानकारी नहीं ले सकते हो, आपको हर एक टेक्निक हर एक तरीका जानना इम्पॉर्टेंट होता है। तो यही बोलूँगी, जो भी ऐसा भी हो रहा है ना कि जस्ट सीखा, एक मंथ के बाद में क्लास खोलना ओपन करके बैठ गए, तो आप जो बिगिनर आ रहे हैं ना उनको गलत नॉलेज दे रहा है। पहले आप अपना हाथ को पक्का कीजिए, आप अपना नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद अपना नॉलेज दीजिए, तो आपका ये लिए बेस्ट होगा और आप ग्रो भी बहुत अच्छे से करोगे। एज ए सिनियर मेकअप आर्टिस्ट जरा नतून ये प्रोफेशने आसते चाहिए, जरा न्यूकमर आछे तादेर जोन्नो जदि किछु टिप्स दीते चाओ। मैं उन लोगों को यही बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़, अगर आप लोगों के पास पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, आप लोग कुछ टाइम लीजिए, पैसे इकट्ठा कीजिए और सही वे पे जाके, सही जगह पे जाके क्लासेस कीजिए, जहाँ से आप लोगों को पूरा बेनिफिट मिले। और एक बात बोलना, अभी इंस्टा फेसबुक व यूट्यूब में बूस्ट पोस्ट एक हो रहा है, जो आप पैसे के थ्रू आपका फ़ैन फॉलोअर्स इतना हो जाएगा, मतलब मैं देख रही हूँ 4 दिन हो रहा है, देख रही हूँ 200 है, 6वां दिन देख रही हूँ 40,000 हो जा रहा है, तो ऐसे हो रहा है। तो प्लीज़ आप ये देख के मत जाइए किसी के पास भी इसका इतना फ़ैन फॉलोअर्स, आप उनका काम देख कर जाइए कि उनका काम कैसा है, तो काम देखिए फिर उसके पास जाइए और उनके बारे में आप वेरीफाई भी कीजिए सारे स्टूडेंट से कि मैम कैसी है, क्लासेस कैसा है, तब आप क्लास ज्वाइन कीजिए। आपका एक पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने खुद
तो जितना भी क्लासेस किया है, पैसा को इकट्ठे किया है, बहुत मुश्किल से मैं इस पोजीशन पे आई हूँ। तो मेरा जितना जर्नी है मैं सब कुछ शेयर करी, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कीजिएगा। आज के जो पोजीशन है तुम्हें होल्ड करछो, तार जन्य निश्चय प्रचुर मानुष तुम्हें चेने। तो जखन धरो तुम्हें कोथाओ बाहरे जाओ बा कोनो शॉपिंग मॉले धरो बा कोनो एमनी रेस्टुरेंटे जाओ, तो निश्चय तुम्हें क्यों चिनते पारे, तो তখন তাদের রিয়াকশন কি হয়, মানে কেমন লাগে তোমার ব্যাপারটা? অ্যাকচুয়াল মে আপকা ফেস খুলা হতা হ্যায় তো লোক পহচানতে হি অলগ বাত হ্যায়, লেকিন ই কোভিড কে টাইম পে মেরে মুখ পে মাস্ক থা, ই মেরা জো কট হ্যায় আর ই ব্রেসলেট সে লোক মুঝে পহচান জাতে হ্যায়। তো মে মঞ্জনিস পে খড়ি হুই, জাস্ট এক কেক লে রহি থি ঘর মেরে ভাইয়া কা ভতিজে কে লিয়ে, তো মে লে রহি থি, তো এক বচ্চি এক আই বলে আপ ভারতী গেলা না, তো মে বলে কি ইয়েস, तो बोले कि आपका क्लासेस का, मतलब वो जानकारी लेने लगी कि दीदी का क्लासेस कैसा है काम, मतलब मेरा पैसा का प्रॉब्लम है तो आप मेरे लिए फ्री, मतलब ठीक है ओके तुम ये बात सही बोल रही हो, लेकिन मैंने माना कि तुम, मैं तुमको फ्री में सर्विस दे के मैं फ्री में तुमको सिखा दूँगी, लेकिन आपको प्रोडक्ट के लिए तो पैसा चाहिए ना बाबू, तो आपको तो इसके लिए तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा वरना होगा नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे पहचाना कैसे, मेरे मुँह पे तो मास्क लगा हुआ है, तो बोली वो जो आपका ये कट है ना और ये ब्रेसलेट से मैं आपको पहचान ली कि आप भारतीय हो। उन्होंने ओह थैंक यू, तो अच्छा लगता है जब लोग, तो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छा लगता है। और उससे भी अच्छा लगता है ना कि मतलब जब फैमिली वाले लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसे कि यूपी ही गई थी कुछ दिन पहले, तो मतलब मैं बैठी हुई हूँ, मम्मी मेरे बगल में बैठी है, तो एक भैया आके बोल रहा है कि नमस्ते आंटी आप भारती जी की मम्मी है ना, तो मेरी मम्मी भी बहुत खुश हो रही है कि अरे बाबा तुम्हारा तो बहुत यहाँ पड़ो, मैं गई थी यूपी में इलाहाबाद में, तो उस साइड भी मेरा इतना फैन फ्लावर से मुझे पता नहीं था। तो थैंक यू, आप लोग मुझे ऐसे ही मतलब मेरे लिए प्रे कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और न्यू टेक्निक्स देखिए। तुम्हारे जो फैन फॉलोइंग आछे, जरा तुम्हें एतदिन धरे फॉलो करछे, जरा तुम्हें देखले खुशी है, तादेर जोनो जो तुम्हें किछु बोलते चाओ? तो उन लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, मुझे इतना अप्रिशिएट करते हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही कनेक्ट रहे और जो भी बिगिनर आ रहे हैं उन लोगों को भी सपोर्ट कीजिए, और लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो प्लीज़ आप उन लोगों का सपोर्ट मत कीजिए, यही बोलूँगी। और जिनका मनी प्रॉब्लम है, बहुत हर एक मेकअप आर्टिस्ट एक लाइव करता है सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस वगैरह, तो आप लोग प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत सारा वहाँ से नॉलेज मिल जाएगा। और ऐसा भी है कि ऑनलाइन भी बहुत एक भूल भाल हुआ है, मैंने जब कोविड के टाइम पे मैंने ऑनलाइन क्लासेस कुछ किया था, तो वहाँ पर भी मुझे बहुत सारा बैड एक्सपीरियंस मिला कि मतलब आपको बोला कुछ और गया है लेकिन दिखाया कुछ और जा रहा है, बैठ के वहाँ पर अलग ही बात हो रहा है, तो ऐसे भी होता है। तो प्लीज़ आप लोग अपना पैसा जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं देख के इन्वेस्ट कीजिए। ঠিক আছে, সব কিছুর থেকে একটা আলাদা প্রশ্ন, এই যে আমাদের ইয়াদে ফটোগ্রাফিক্স এত রকম ইনিশিয়েটিভ নিয়ে আসছে মেকআপ আর্টিস্টদের জন্য, এই ব্যাপারে তোমার কি মনে হয়? মতলব যে আমি ফার্স্ট নেক্সট ইয়ার জব মে মিলি দাদা সে তো মুঝে বহুত আচ্ছা লাগা, কিউকি मतलब इतना दिनों से जब तक मैं इस लाइन पे आई हूँ मैं देखती हूँ कि लोग मेकअप करते हैं लेकिन स्टेज के पीछे ही रह जाते हैं, किसी का भी ग्रूमिंग के स्टेज के पीछे ही रह गए, तो उनको कभी फ्रंट पे आने का कोई सिचुएशन नहीं मिला कि वो आके अपने बारे में कुछ शेयर करे, उनको भी एक मौका दिया जाए कि भाई आप इतना मेहनत कर रहे हो किसी के पीछे, एक फेस को लेकर आप कितना मेहनत कर रहे हो, हम लोग को तो अलग अलग फेस मिलता ही है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए थैंक यू दादा कि ये मेकअप न्यूज़ के थ्रू आप इतने सारे लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करवा रहे हैं, हर एक मेकअप आर्टिस्ट अपना मन का बात बोल पा रहा है, इसके लिए थैंक यू सो मच।